अंधेर नगरी चौपट राजा में फंस गया है मामला। चीन ने बुद्धू बना के सबका अर्थव्यवस्था भंग करने के लिए सबको बुद्धू बना रखा है, वैज्ञानिकों को घुस दे करके और मीडिया को, और उसी बेवकूफ़ बन गया है गवर्नमेंट। सब जो जो गवर्नमेंट बैठ गया उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सभी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके चीन सब पे हमला करना चाहता है, उस बात को गवर्नमेंट नहीं जानती है। और अपने साथ प्रजा को ज़बरदस्ती कोरोना कोरोना का जहर बुकल रही है। और ये कहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ कोरोना नहीं रहता है, जहाँ पे धर्म कर्म होता है वहाँ कोरोना आ जाता है। ये सब अंधेर नगरी चौपट राजा का खिस्सा है। स्वामी जी, हम देख रहे हैं कि बॉर्डर में बहुत सारे भक्त लोग हैं जो आते हैं अदर अदर राज्यों से, नहीं आने दे रहा है, कई राज्यों से आ रहे हैं और उनको वहीं पर बॉर्डर में यहाँ से 50 किलोमीटर दूर उतार दिया जाता है और वहाँ पर बारिश सारी व्यवस्थाएं भी नहीं रहती है, वो सब आपके ही भक्त लोग रहते हैं। हाँ, तो धोखा दे रहा है, गवर्नमेंट परेशान कर रही है। ये गवर्नमेंट मूर्ख लोगों को गवर्नमेंट बन गया है हिंदुत्व के नाम पे। हिंदुत्व के नाम पे खाली हिंदुओं को चाहेगा कि हिंदुत्व के नाम से हम सब काम कर लें, सब काम नहीं होने पाएगा। हिंदुत्व की रक्षा करते हुए हिंदुओं की जो मांगे हैं, उनकी जो स्वतंत्रता है, उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। आसाराम बापू का मैटर है, आसाराम ने अब सरकार का कानून हम कहा बताऊँ, एक मूर्खों का बता तो दिया सब बात। एक बार अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा वाला हाल है, नकटा जैसा राज कर रखा है। ये लोग जाने नहीं है, विवेक ही नहीं है, सबको एक लाठी झाँक ले कोशिश कर रहा है, विचार नहीं कर रहा है कि कौन सुधरी गाय है कौन बदमाश गाय है, सबको एक लाठी झाँक रही है। तो इसका खामियाजा तो गवर्नमेंट ही ऊपर आएगा, सबका पाप कमा रहा है साधु की निंदा करके। सनातन धर्म का काम करने वाले, हिंदू धर्म का काम करने वालों को सबको घेर लेगा, क्योंकि मुसलमानों की छाया चल रही है ना, पाखंड का छाया चल रहा है। बिना मुसलमान के सहारा के लोग सरकार ही नहीं चला पाता है। आत्मविश्वास नहीं है, आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास नहीं है इनको। आत्मविश्वास है तो अपने सुबल पे रहेगा तो सही काम करेगा। वो सोचता है कि उसके बोर्ड से हम राजा बन जाओ, इसके मन का नहीं करूँगा तो हमको गिरा देगा, इसीलिए इसके मन के करो, अपने को फिर भूल जाता है, तो फिर जनता लटका देती है बाद में। अभी हम देखते हैं जैसे कि आप हैं, बहुत सारा समाज का उत्थान करने लगेंगे, जो धर्मांतरित हो रहे हैं लोग उनको अगर उनको उनकी सही दिशा दिखाने लगेंगे तो फिर आपको भी टारगेट करेंगे। तो सबको करेंगे टारगेट, तो जो धर्म का प्रचार करेगा उसको तो टारगेट करते ही है विरोधी लोग। शुरू से चली आ रही है, इसी का नाम कुंभ मेला है, देव दानव की लड़ाई चली आ रही है पहले से, और उसी में तो अमृत बटा था। अब चेलों को नहीं आने दिया जा रहा है, गवर्नमेंट मूर्ख बन गया है, क्या बताऊँ मैं। कोरोना वहाँ कोरोना लगता है स्वामी जी, इनसे पूछ के जाता है, बंगाल में नहीं गया अभी तक, अब बंगाल में चला जाएगा चुनाव होने के बाद। हाँ ऐसे ही है, कोरोना पूछ मीडिया वैज्ञानिक दो करता है, ये सब दो के लिए ही कोरोना है। वैज्ञानिक और मीडिया मिल करके कोरोना फैला रही है गवर्नमेंट को फैल करने के लिए और जनता को कष्ट देने के लिए। जब जनता को कष्ट होगा तो जनता गवर्नमेंट को फैल करेगी, ये पॉलिसी है। और समझता नहीं है मूर्ख गवर्नमेंट पर, अभी तो वाहवाही में है, कम हिंदुवादी हिंदुवादी है, फिर जब वो ज़्यादा त्राण देगा हिंदुओं को तो फिर गिरा भी देगा हिंदू, फिर नहीं देखेगा कि मोदी है राष्ट्रवादी है, फिर तीसरी शक्ति प्रकट हो जाएगी कोई। इसीलिए उसको संभल के काम करना चाहिए। स्वामी जी, हम देखते हैं कि हमारे संतों ने बड़ा बलिदान दिया है, योगदान संतों दिया का है, बलिदान संतों का जिस तरीके से आज वो समाज को टारगेट बना के काम हो रहा है और उस पर सरकारें भी बड़े कदम नहीं उठाती हैं, तो क्या संदेश देना चाहिए? धर्म संतों का सरकार कहाँ है? सरकार तो तुम्हारा संविधान का चलता है, आजकल जो गलत संविधान बना हुआ पहले से, उस संविधान के हिसाब से बनेगा जो गवर्नमेंट से करेगा। अब संविधान संत बनाए फिर उस पर गवर्नमेंट बने तो फिर काम सही होगा। संविधान हमारा पहले से टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, तब वो जो भी बनेगा वही का सौगंध खिलाता है तो फिर वैसे ही करता है, टेढ़े मेढ़े संविधान का सौगंध खिलाता है। हम इसकी करेंगे रक्षा बक्षा,
तो फिर इसीलिए स्वामी जी आपने बोला अंधेर नगरी चौपट राजा। अगर इस देश में जो क्रांतिकारी हैं उनको इसी तरह परेशान किया जाएगा जो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, तो फिर अच्छाई कहाँ से आएगी, क्या लगता है आपको? जब अति हो जाएगा तो अपने आप क्रांति पैदा हो जाएगा, कोई नया पार्टी पैदा हो जाएगा और सब काम होगा। फिर अब ऐसे स्वाभाविक है कि धर्म का तो कमजोरी, तब सब पाखंडी लोग जो है बेधर्मी लोग वो संगठन बना करके हिंदू संस्कृति को दबाएंगे और दबाने के लिए उनका पूरा षड्यंत्र चल रहा है। अब बुद्धू लोग का वैक्सीन बनाएगा, जनता को परेशान करेगा, वैक्सीन भले फायदा करे चाहे नहीं करे, वो तो एलोपैथिक है, एलोपैथी के कोनो पैसिक हो वो जो है जनता को परेशान करने के लिए सब ढंग है। चीन ने बना दिया ये नौटंकी, अब ये सब उसी को मान रहे हैं। इनकी इनकी बैकग्राउंड में कोई काम कर रहा है? बैकग्राउंड में चीन का बैकग्राउंड चल रहा है ना, जो सब अर्थव्यवस्था कमजोर करके सब पे हावी हो गए। देखो कोरोना ही बना करके उसके बाद ही चीन सब पे हावी हुआ है, ये विचार करके देख लेना। सभी राज्यों पे, सभी देश में, विदेश में, विश्व में, सब के ऊपर में वही तभी से हावी हुआ है, सब जगह भेजना शुरू किया है। तुम्हारे भारत में भी सब जगह चीनी शक्ति काम करना शुरू हो गए, ये लोग इधर बेस तो जाएंगे। लेकिन स्वामी जी चीज देखते हैं कि चलिए उसने भेजा और यहाँ के लोग उसको और बढ़ावा दे देते हैं, ये समझ में नहीं आता है। वो डरा रहा है इसी प्रकार से, बीमारी बीमारी कुछ नहीं, भ्रम फैला दिया है, वही पुराना बीमारी को भ्रम फैला दिया कि छूत है, कोरोना है, फलाना है, ये है, वो है, और उसी ने मशीन बना दिया। एक मशीन बना करके कुछ चीज़ें होती है वैसे बताया जाता है, हर कोई के ऊपर चलता है, उसी ने मशीन दिया है, उसी के मशीन से चेक करते हो या उसी के मशीन का निकल कर दूसरा मशीन बनाए हो, भले इंडिया में बनाए हो। तो अब बीमारी को कोई रोक नहीं पाया है, जबरदस्त उसके बातों में आकर के सबको डरा रखा है, विश्व को डरा रखा है और सब बेवकूफ़ बने हुए हैं। अपना भजन करे और काम धंधा करे, सब भगवान के पास सही होगा। मौत जो है ऐसे नहीं आता किसी के रुकने से, जब उसको मारना होगा तो मार डालेगा, जिलाना रहेगा दिलाएगा ही। इन तमाम चीज़ों में समाज को क्या करना चाहिए स्वामी? समाज को, अब समाज तो पराधीन है गवर्नमेंट के। आजकल जो गवर्नमेंट नास्तिक आके बैठ जाता है तो गवर्नमेंट सताती है तो चुपचाप बनना पड़ता, करेगा तभी जेल में भेज देगा, जो सरकार उसके विरोध में बोलेगा उसी को जेल ठूस देगा। तो समाज का अगर संगठन में अब नई क्रांति नई पार्टी बनेगी तब होगा नया हिंदू संगठन। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय दिया, प्रणाम स्वामी जी।